YouTube चैनल मिताली की दुनिया। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मिताली की दुनिया में। तो गाइज, आज का जो दिन है बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज है 26 जनवरी, और मेरी तरफ से मेरे सभी फ्रेंड्स लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी लोग आज का दिन खूब इंजॉय करिए, और हो सके तो थोड़ा सा अपने देश के लिए भी अच्छा अच्छा सोचिए, देश को साफ़ सुथरा रखने में मदद करिए, कहीं पे गंदगी मत डालिए, जितना हो सके लोगों को टोकिए कि रास्ते वास्ते में कूड़ा कचरा ना फेंके, साफ़ सुथरा पर्यावरण रखे। तो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो बस नॉर्मली है कि हम कहीं मार्केट जाएंगे, और गाइस मार्केट जाके कुछ घर के लिए सामान खरीदेंगे। और गाइस, मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि मैंने अपने लिए एक साड़ी लिया था, जो कि मैंने सिर्फ एक ही बार पहना है दीपावली में। तो वो साड़ी थोड़ी सी जल गई थी, वो पटाखे लग के वो जहाँ पे मेरा आँचल है, मेन साइड है, वो साइड थोड़ा सा जल चुका था। तो मैं उसको आज लेके जाऊँगी इंदिरा मार्केट, जो कि सेक्टर 27 में है, उसको रिपेयर करूँगी। उस जगह पे जो है वो लोग कढ़ाई करके छोटा सा एक फूल बना देंगे। तो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ मेरी जो साड़ी है वो कहाँ से जल गई है, और उसको कैसे ठीक करना है वो मार्केट में चल के पता चलेगा। तो आप सभी लोग मेरे साथ ब्लॉग में बने रहना, आपको बहुत मज़ा आएगा हमारे साथ घूमने में। तो चलिए गाइज, मैं आपको दिखाती हूँ मेरी साड़ी। गाइज, ये रही वो मेरी साड़ी जिसको मैंने सिर्फ एक ही बार ही पहना है। गाइज, ये बहुत ही सुंदर है, और ये देखिए इसका नीचे का बॉर्डर लुक, और ये ऊपर का लुक है। ये मैंने सिर्फ दीपावली के टाइम ही पहना था एक ही बार, उसके बाद मैं इसको पहन ही नहीं पाई, क्योंकि ये जो है इसकी जो आँचल है, मैं इसका आँचल दिखाती हूँ आपको। गाइज, ये देखिए इसकी जो आँचल है, ये यहाँ से इतना सा, ये पटाखे लग के ये इतना सा साड़ी मेरा जल चुका है, और ये मेन आँचल साइड है। तो मैं इसको दोबारा पहन ही नहीं पाई, क्योंकि अगर मैं इसको पहनती तो फिर ये दिखता, तो इसीलिए मैंने इसको दोबारा कभी पहना नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा जल चुका है यहाँ से, और बिल्कुल आँचल में ही है, लोगों को दिखता तो लोग बोलते। तो मैं आज इसको रिपेयर करूँगी, इसमें छोटी सी मैं एक फ्लावर बनाऊँगी, कुछ इस तरह वाले फ्लावर, ये वाले फ्लावर मैं बनाऊँगी, ताकि वो जो जला है वो चीज़ ढक जाए, और किसी को पता भी नहीं चले कि मेरी साड़ी जल चुकी है। तो चलिए गाइस, चलते हैं मार्केट, घर के लिए कुछ सामान खरीदते हैं और साड़ी रिपेयर करवाते हैं। वहाँ से आते वक्त हम क्या क्या करते हैं, आप सभी लोगों को मेरे इस ब्लॉग में यही कुछ देखने को मिलेगा। छोटी छोटी फ़िश लेने, जो मेरे घर में फ़िश पॉट था छोटा सा, तो उसमें 2-3 फिश थे, तो उसमें से एक ही फ़िश बचा है, बाकी 2 फिश की डेथ हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे आई हूँ फ़िश शॉप में अपने घर के लिए छोटी छोटी फ़िश लेने। तो चलिए गाइस, अंदर चलते हैं, दिखाते हैं कि यहाँ पे कितने टाइप की फ़िश है।
गाइस, ये रही हमारी छोटी छोटी मछलियाँ जो हम अभी लेके आए हैं। और शंकर अभी इसमें डालने वाला है। देखिए गाइस, हमारी इतनी बड़ी सी एक गोल्डन फिश कहाँ है, भाग रही है कैसे देखो। और ये हमारे छोटे-छोटे तीन मेहमान, और ये पहले से ही एक है बदमाश, इसका नाम मैंने चुन्नू रखा है, ये बहुत ही नॉटी है। ये शंकर अब इसमें डालने वाला है, वो बहुत खुश होगा इनको देख के। देखना ये कैसे तैर रहा है वो। गाइस ये जो फिश है ये कितनी प्यारी है, ये ब्लैक और सिल्वर कलर में है, और एक ये है ये गोल्डन फिश है। और ये देखिए गाइस, अब हम इसको खाना देंगे खाने के लिए। दो दो दो, ये इनका खाना है, ये सुबह शाम यही खाते हैं। वाह कितने प्यारे लग रहे हैं। क्यों रो रहे हो तुम भी दे दो, मम दे दो। ये देखो कहाँ गए सारे, कहाँ गए। सॉरी गाइस, क्योंकि मैं 26 जनवरी वाले दिन का जो ब्लॉग था वो पूरा नहीं कर पाई, उसको एंड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे आके मतलब घर में खाना बनाना था, उसके बाद बहुत सारा काम था, तो इस बीच में ब्लॉग शूट करना भूल गई। तो आज ये नेक्स्ट डे है, मैंने आज है 27 जनवरी, तो मैं ये ब्लॉग जो है शायद आप लोगों तक थोड़ा लेट पहुँचे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, क्योंकि अंश की तबीयत थोड़ी ख़राब है, और मतलब वो हमेशा चाह रहा है कि मेरे साथ रहे, मेरी गोदी में रहे, तो उसको लेके ब्लॉग शूट करना बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो मैं दिखाती हूँ कि जो मैंने आपको साड़ी दिखाई थी जो मेरी फट चुकी थी, उसको मैं सिलवा के लेके आई हूँ। वहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा फ्लावर बना दिया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो फ्लावर बनाने के बाद साड़ी, ये देखिए गाइस कुछ इस तरह से फ्लावर बना दिया है उन्होंने मेरी साड़ी पे, ताकि आपको पता ही नहीं चलेगा। जिस टाइप का फ्लावर मेरे ये बॉर्डर पे बना है, उसी टाइप का फ्लावर इन्होंने ये आंचल में बना दिया है, और मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि साड़ी को, मतलब साड़ी वहाँ से जल चुकी थी और वहाँ पे एक फ्लावर बना हुआ है। तो गाइस अभी शाम हो गया है, तो आज बृहस्पतिवार है, और मतलब बृहस्पतिवार को हमारे घर में लक्ष्मी माँ की पूजा होती है, मतलब मेरी सास बहुत मानती है, तो आज बृहस्पतिवार है तो घर में थोड़ा सा छोटा सा पूजा होता है, मतलब हर बृहस्पतिवार को ही होता है, हफ्ते में एक दिन होता ही है, एक दिन शनिवार के दिन पूजा होती है हमारे घर, और एक दिन बृहस्पति वाले दिन होती है। तो गाइस उसके लिए मैं कैसे पूजा करती हूँ और क्या क्या तैयारी करती हूँ पूजा के लिए, तो मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए दिखाती हूँ मैं पूजा की। और यहाँ मैंने पूजा के लिए सारी सामग्री जो पहले से ही मैंने, ये पूजा के बर्तन, ये आम पत्ता, और इसमें है ये तुलसी के पत्ते, और इसको बोलते धूप्रो, और ये फूल फल जो भी चाहिए बृहस्पतिवार को लक्ष्मी माँ की पूजा के लिए, सारा कुछ मैंने रेडी कर रखा है। अब मैं अपना कलश सजाऊंगी। सबसे पहले हम कलश में शुभ चिन्ह बनाएंगे, जो कि हम बंगाली लोगों में बनाते हैं कुछ इस तरह से। यहाँ के लोग ओम बनाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, बट हमारे बंगालियों में कुछ इस तरह से शुभ चिन्ह बनाते हैं। गाइस ये अच्छे से दिख नहीं रहा है, बना लिया, और उसी की साइड में मैं 5 बिंदी बनाऊंगी। और ये तम पत्ता है, अगर कभी कभी आम पत्ता वगैरह नहीं होता है कलश में देने के लिए, तो ये पीतल का तम्र पत्ता ही हम देते हैं। इसमें 5 टीका लगाएंगे और कुछ इस तरह से रखेंगे।
छोटी सी मंदिर, और आप देख सकते हैं कि मैंने छोटी सी जगह में अपना छोटा सा मंदिर कैसे मैनेज करके रखा है। और ये रहा भोग कलश और जो जो मैंने सजाया है भगवान जी का, देख लीजिए। तो फाइनली गाइज, आज का ये ब्लॉग मेरा यही तक था। आई नो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही ब्लॉग है, बट आप सभी लोगों को जैसा भी लगे मुझे बताना। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, टाटा बाय बाय।